हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज 21 अगस्त संडे है, तो आज सुबह सुबह एक खुशखबरी मिली है। क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे एक गाय के आज हुआ है बछड़ी हुई है, जो कि भी मुंह चला रही है। गाय भी खुद नीचे बैठ चुकी है। उसी के साथ में हमारी फैमिली का एक और मेम्बर बढ़ चुका है, तो इसलिए आप सभी को यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी बधाइयां। तो गाय है जुड़ चुकी है वापिस, और मम्मी इसको खिला रही है मक्खन। देखो, खिलाना था बछड़ी को, लेकिन खा खुद रही है बीच में। देखो किसी गाय है, अब इसको चाटने लग गई है, तब तक मम्मी इसको खिलाएगी मक्खन। तो ये खुद से नहीं पी रही दूध, इसलिए मम्मी ने कटोरी में दूध निकाल के अब पिला रही है हाथों से। थोड़ा सा दूध के अंदर डालते हैं, नहीं और लेके आना पड़ेगा। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा चलने के मुंह चलाने का आगे शक्ति इधर उधर मुंह कर रही है, और उधर किया है धुआं, क्योंकि मक्खिया है जो इन गायों के ऊपर बैठ रही है। इनको सही से बैठने नहीं दे रही थी, इसलिए इनके ऊपर धुआं किया थोड़ा सा कि मक्खिया उड़ जाएगी, और ये पी रही है दूध। अब खड़ी भी हो चुकी है, पहले खड़ी नहीं हो रही थी, अब खड़ी हो चुकी है, कुछ दूध पिया इसलिए। पहली गाय जो गाय का पहला दूध निकला था, उसको गर्म कर दिया है। तो पहला दूध होता है वो गर्म करने के बाद क्या एकदम जम जाता है, इस तरीके की चक्किया बन जाती है। पहले दूध की फटता नहीं इतना ज्यादा के हाथ से ज्यादा फट जाता है, फिर ऐसी चक्किया निकलती है मावे की जो बनती है उस तरीके की। अब खाते हैं चक्कियों को। तो उसके अंदर है गाय का कच्चा दूध, तो आज मैं पीने वाला हूँ गाय का कच्चा दूध, क्योंकि इस दूध में जो होता है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। जो भी चीजें कमी होती है वो सारी की सारी इस दूध में होती है। दूध एकदम पीला हल्दी की तरह होता है। ये मैंने कटोरी में डाल दिया है, पीता हूँ इस कच्चे दूध को। तो अब आएगी ताकत, दूध पी लिया मैंने कटोरी भर, एक कटोरी और पी लूंगा थोड़ी देर के बाद में। तो अब तो दूध की कमी नहीं होने वाली है गाइस। तो अभी आई थी बाहर हल्की हल्की बारिश, इसलिए काऊ को ले लिया हमने अंदर, छोटी सी बछड़ी को। अभी ये यहाँ पे बैठी है ऊपर पलंग के ऊपर चढ़ के, नीचे नहीं बैठी है, ऊपर चढ़ के बैठी है गाइस। तो अभी बजे शाम के 5, तो अभी गाय वापस आ चुकी है घूम के बाहर, जो चारा वगैरह खाने के लिए बाहर जाती है इसलिए। तो अभी सूखा चारा देंगे घर पे। तो ये है इसकी बड़े वाला टप, इसके अंदर इसको चारा दे दिया है, और बाकी चारा है इसको देना है, और जो हमारे पीछे रूम है उससे लेके आते हैं। तो चारा है जो भीग गया है, पूरे रूम के अंदर पानी आ चुका है, ये देख सकते हो, यहाँ भीग गया है, ये यहाँ पे भीग हुआ है पूरा पूरा, अंदर मशरूम लग चुकी है, ये मशरूम है, और अंदर सारा सामान बिखेरा हुआ है। तो लाइट करते हैं, सबसे पहले बैटरी स्टार्ट, ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा सारा बचा है थोड़ा बहुत, वो है ये साइकिल है पुरानी, एक ये है, एक ये पड़ी दूसरी ये वाली, और इधर ये थोड़ा बहुत चारा। तो यहाँ से पहले इकट्ठा करके चारा लेते हैं गायों के लिए। पानी की टंकी के अंदर इन छोटे छोटे गूंगों ने पत्थर बना के बैठे, क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, लाइन बनाई है एक साथ में, इसके अंदर घुसी है, ये ना रहे है, पता नहीं तैर रहे है क्या कर रहे, स्विमिंग पूल बना रखा है, लेकिन स्विमिंग पूल को सिलाते देखते क्या होता। कतारें टूट गई है, तो अभी गाय को दोहने का टाइम हो चुका है, चारा वगैरह दिया था वो खा लिया है, और पीछे मौसम देखो आप क्या तगड़ा हो चुका है, चारों तरफ घनघोर बादल ही बादल है। तो अभी गाय को दोहते हैं, तो उसके लिए एक बाल्टी जग दोनों लेके आ गए, क्योंकि ये अभी नई नई ब्याई हुई है,
तो ये क्या है, इधर उधर घूमती रहती है, सही एक जगह खड़ी नहीं रहती, इसलिए एक जग से दोते हैं और इसका बछड़ी जो है वो आ चुकी है बाहर, इधर जो घूमेगी पहले, ये देखो आ चुकी है, दाए थोड़ा सा दूध पिएगी, उसके बाद दोहने का काम स्टार्ट करेंगे। उल्टी खड़ी है, गाय को घुमाएंगे, ये ऐसे नहीं घूमने वाली, मेरे को लकड़ी लेके आनी पड़ेगी। सबसे पहले लेकर आते हैं लकड़ी, क्योंकि ये किसी को ऐसे जवाब देने वाली नहीं है, और ये बछड़ी है भागती है इधर उधर, और घूम घूम उधर घूम घूम, हाँ ये घूमेगी अब इधर, और ये बछड़ी है वो भी दूसरी साइड खड़ी है, राइट साइड नहीं है, रॉन्ग साइड में, इसको राइट साइड लेके आएगी मम्मी अभी, ये आगे है राइट साइड में, और गाय को लग रहा है ये लेके जाएंगे वापिस, वापिस नहीं लेके जाने वाले। घूमो नहीं, दोने से पहले पैरों में जो रस्सी बांधते उससे बोलते हैं नैंजन, तो नैंजन दे रही है मम्मी, तो इससे क्या ये पैर ऊपर नीचे नहीं हिलाएगी, एक जगह रखेगी, फिर भी आगे पीछे घूमती, इसलिए मैं हाथ में लकड़ी रख के इसके सामने खड़ा रहता हूँ, क्योंकि ये अपनी जगह से घूमे नहीं। तो अभी धर्मझम धर्मझम बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अब इसको लेते हैं वापस अंदर की तरफ, ये बारिश आ रही है, हाथ भीग रहे हैं थोड़े थोड़े, तो ये बारिश बहुत दिनों से स्टार्ट है, तो पानी पानी हो गया है चारों तरफ, इसके ऊपर भी हमने प्लास्टिक लगा, क्योंकि उसके अंदर ही पानी आता है, ये दिख रहा है आपको प्लास्टिक, उसको लेते हैं अंदर, ये भीग जाएगी, भीगेगी तो फिर ये बीमार हो जाएगी, इसलिए इसको लेते हैं अंदर। गाइस तो मौसम आपको पता है खराब हो चुका था, तो बारिश आ गई, तो बारिश आने के बाद भीग गए थे, इसलिए कपड़े हो गए चेंज, बाल वगैरह अभी तक भीगे हुए पड़े हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में पूरी तरीके से सूख नहीं होते। तो अब गाय के जो ताजा जो ब्याई हुई होती है उसको क्या देते हो, मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं गुगरिया। तो ये बाजरी जो होती है, जो पिसी हुई नहीं, आखी जो दाना होता बाजरी का, तो बाजरे के दाने को पानी के अंदर उबाल के इसकी बनाते हैं गुगरिया, उसको देते हैं, तो इसको भी करते हैं ठंडा, क्योंकि अभी गर्म गर्म हल्का गुनगुना, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, तो ठंडा मौसम हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा हल्का गर्म देंगे गाय को खाने के लिए। तो गाय सभी बजे है रात के 10:30, खाना वगैरह खा लिया है, और इसी के साथ हमारे YouTube फैमिली पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी का धन्यवाद, इसी तरह अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखे और आगे से आगे इस फैमिली को बड़ा करते रहे, और इस 2000 सब्सक्राइबर के लिए मैं Q&A वीडियो रखने वाला हूँ, तो उसके लिए जो कमेंट करने हैं, जो क्वेश्चन पूछने हैं, आप इसी वीडियो नीचे कमेंट कर देना, जो जो कमेंट करेगा उन सबका नाम अगले वीडियो में आने वाला है, और उसी के साथ में मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, जिसके नीचे भी आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। उसी के अलावा इंस्टाग्राम की आईडी है, वो मैंने लिंक नीचे दे रखी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इंस्टाग्राम पे मैं Q&A की पोस्ट करूँगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हैं। आज के इस व्लॉग को करते मैं यहीं पर एंड, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक करे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे, फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।